दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हैबर प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हैबर प्रोसेस को डेवलप किया गया था वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में, और इसको डेवलप किया था फ्रिट्स हैबर ने और कार्ल्स बॉश ने। और इस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के मेथड को डेवलप करने के लिए इन दोनों केमिस्ट को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज। दोस्तों हैबर प्रोसेस जो है अमोनिया की प्रिपरेशन का, उसमें हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं और इन दोनों के रिएक्शन से अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। ये रिएक्शन 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में होती है। दोस्तों इस रिएक्शन में हम लोग आयरन को कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं, और आयरन के साथ साथ हम Al2O3 एंड K2O को भी यूज़ करते हैं ताकि इसकी यील्ड अच्छी मिले, और प्रोमोटर के रूप में हम मॉलिबेंडम को यूज़ करते हैं। MO इज मॉलिबेंडम एंड मॉलिबेंडम इज प्रोमोटर। अब इसकी रिएक्शन को देखते हैं, बहुत बेसिक रिएक्शन है। N2 गैसियस प्लस H2 गैसियस और रिवर्सिबल रिएक्शन इज गिविंग NH3। इस प्रोसेस के लिए हाइड्रोजन को हम लोग स्टीम और मिथेन गैस को रिएक्ट करके बनवाते हैं। इस केस में स्टीम जब मिथेन से रिएक्ट करती है तो फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन गैस की, और बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में हमको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से ऑब्टेन हुई है, इस हाइड्रोजन गैस को हम यूज़ करते हैं, और नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो एयर है। जैसा कि आपको पता है एयर में 77% नाइट्रोजन होती है। तो ये बेसिक इक्वेशन की हमने बात करी। अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये फ्लो चार्ट है अमोनिया के प्रिपरेशन का बाय द हैबर प्रोसेस। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन को एयर से ऑब्टेन किया गया है, हाइड्रोजन को नेचुरल गैस मिथेन से ऑब्टेन किया गया है, जैसा हमने देखा अभी। ये दोनों को हमने एक कंप्रेसर की हेल्प से, दोस्तों कंप्रेसर के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर मेंटेन किया जाता है 200 एटमॉस्फेरिक। इसका रीज़न अभी हम समझेंगे। तो यहाँ से आपकी N2 और H2 गैस कंप्रेसर में जाती है, कंप्रेसर 200 एटमॉस्फेरिक के प्रेशर में उसे आगे नेक्स्ट चैम्बर में पास करता है। दोस्तों ये रिएक्शन चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर आपकी रिएक्शन परफॉर्म होती है, जहाँ आपका N2 H2 से रिएक्ट करके अमोनिया की फॉर्मेशन करता है। दोस्तों ये रिएक्शन से 100% अमोनिया हमें नहीं मिलता है, तो जब इस रिएक्शन चैम्बर से बाहर निकलती है गैसेस, तो मिक्सचर होता है आपका अमोनिया का और अनरिएक्टेड N2NH2 का। फिर यहाँ पर हम लोग एक लिक्विफिकेशन चैम्बर यूज़ करते हैं। ये लिक्विफिकेशन चैम्बर है, इस चैम्बर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये सिर्फ अमोनिया को लिक्विफाई करता है। तो इससे पास होने के बाद यहाँ पर आपको लिक्विफाइड अमोनिया मिलती है। तो इस तरह से हम इस चैम्बर में लिक्विफाइड अमोनिया को इकट्ठा कर लेते हैं, और जो अनरिएक्टेड N2NH2 हैं, अनरिएक्टेड N2NH2, वो यहाँ से होते हुए पंप में जाते हैं, और पंप फिर से उन्हें फ्रेश रिएक्शन मिक्सचर के साथ मिक्स कर देता है, और जो आपका अनरिएक्टिव मटेरियल था N2NH2 वो वापस से आपके रिएक्शन का पार्ट बन जाता है, और ये प्रोसेस इस तरह से एक साइकिल की फॉर्म में चलता रहता है। तो ये फ्लो चार्ट हमने समझा कि किस तरह से हैबर प्रोसेस का फ्लो चार्ट रहता है। अब यहाँ हमें डिस्कस करना है कि जो कंडीशंस हमने देखी टेम्परेचर और प्रेशर की, उन कंडीशंस का क्या रीज़न है। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हीट एज ए प्रोडक्ट आपको मिलती है। तो इस रिएक्शन का ये ग्राफ मैंने बनाया है केमिकल काइनेटिक्स का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डेल्टा एच नेगेटिव है, मीन्स ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दोस्तों एक प्रिंसिपल होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई भी चेंज करते हैं, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिस डायरेक्शन में हमारे चेंज का अपोज कर सके। मतलब इस प्रिंसिपल को स्ट्रेटेजिकली यूज़ करके हम लोग अमोनिया की यील्ड को इनक्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि इस रिएक्शन को स्टडी करने पर दिख रहा है कि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब आपका हीट जो है वो प्रोडक्ट साइड में है। तो अगर आप टेम्परेचर को कम रखते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशंस में अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं, तो रिएक्शन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना चाहेगी, क्योंकि टेम्परेचर प्रोडक्ट साइड में है, इसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, तो उस केस में हमें अमोनिया फॉर्म होगा और अमोनिया की यील्ड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब ये इस टाइप की रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ में हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे केस में अगर आप लो टेम्परेचर रखते हैं, तो लो टेम्परेचर रखने पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर हाई हो, क्योंकि रिएक्शन आपका अपोज करती है। तो हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट साइड में है, तो इस केस में फिर रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करती है।
तो पहली फैशिएबल कंडीशन अमोनिया के फॉर्मेशन की हमको मिलती है लो टेम्परेचर। यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, लो टेम्परेचर का मतलब यह है कि हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा लो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम अटेन करने की रेट है वो बहुत स्लो हो जाएगी, तो उस केस में हमें काफ़ी वेट करना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में। तो हम लोग यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ टेम्परेचर यूज़ करते हैं, ऐसा टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। वो टेम्परेचर जो कॉम्प्रोमाइज़ टेम्परेचर है वो हमारा इस रिएक्शन के लिए है 700 केल्विन। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ टेम्परेचर हम लोग यूज़ करते हैं 700 केल्विन। तो ये हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा। अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर का डायरेक्ट कनेक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से होता है। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो जाए, मतलब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड में कम है, अमोनिया की साइड कम है। इसका मतलब अगर हम हाई प्रेशर रखेंगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपकी रिएक्शन प्रेशर को कम करना चाहेगी। प्रेशर को कम करने के लिए आपकी रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो, क्योंकि कम पार्टिकल होंगे तो कम प्रेशर अप्लाई होगा। ऐसा करने के लिए अगर इस सिचुएशन में देखें तो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड में कम है तो रिएक्टेंट अपने आप किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट डायरेक्शन के अंदर, और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, इससे अमोनिया की फॉर्मेशन बढ़ेगी। तो इस केस में हमको जो प्रेशर रखना है वो प्रेशर रखना है हाई। अब हाई प्रेशर इंडस्ट्रियल लेवल पे क्रिएट करना एक बहुत बड़ा सेटअप होता है, बहुत कॉस्टली सेटअप होता है, और हाई प्रेशर का कंटेनर बना पाना और उस कंटेनर को मेंटेन करना अपने आप में एक काफ़ी रिस्की फैक्टर है। तो उस केस में हम लोग यहाँ भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और इंडस्ट्रियल स्केल पर जो कॉम्प्रोमाइज़ प्रेशर है उसको यूज़ करते हैं। तो हाई कॉम्प्रोमाइज़ प्रेशर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ प्रेशर आपका रहता है 200 एटमोस्फेरिक। ये बहुत ही हाई प्रेशर है, एटमोसफेयर जो प्रेशर हम पे लगाता है उसका 200 टाइम्स। तो ये दो बड़ी बड़ी कंडीशन हमने देखी कि टेम्परेचर को लो रखना हमारे लिए अच्छी बात है, टेम्परेचर लो रखेंगे तो रिएक्शन टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो ली चैटली प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, और बहुत लो नहीं रख सकते क्योंकि ऐसा करेंगे तो रिएक्शन की रेट स्लो हो जाएगी। तो यहाँ एक कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर हम लोग यूज़ करते हैं 700 केल्विन। प्रेशर को हम लोगों को हाई रखना है क्योंकि हाई प्रेशर होगा तो रिएक्शन प्रेशर को कम करना चाहेगी, प्रेशर को कम करने के लिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स नंबर ऑफ मोल, ऑब्वियसली प्रोडक्ट साइड में कम है तो रिएक्शन हमारी प्रोडक्ट साइड में जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर हम लोग एक कैटलिस्ट भी काम में लेते हैं, वो कैटलिस्ट है हमारा आयरन। तो आयरन हमारा कैटलिस्ट है, आयरन को यूज़ करते हैं, Al2O3 को यूज़ करते हैं, K2O को यूज़ करते हैं। ये हमारी अमोनिया की फॉर्मेशन की जो रेट है उसको फास्ट करेंगे, और आयरन कैटलिस्ट की हेल्प करने के लिए भी हम एक प्रोमोटर यूज़ करते हैं, और आयरन कैटलिस्ट की हेल्प करने वाले उस प्रोमोटर का नाम है मॉलिबिंडम। तो मॉलिबिंडम MO जो है वो प्रोमोटर है जो हमारे आयरन की हेल्प करेगा। तो इस तरह से हैबर प्रोसेस की हेल्प से हम लोग अमोनिया को इंडस्ट्रियल स्केल पर मैन्युफैक्चर करते हैं। ये सारी कंडीशंस जो हमने डिस्कस करी, टेम्परेचर और प्रेशर, ये वो कंडीशंस हैं जो आपको एक बड़े प्रॉफिटेबल लेवल के ऊपर अमोनिया फॉर्म करके देता है इंडस्ट्रियल स्केल। आने वाले वीडियोस में हम लोग और प्रोसेस को स्टडी करेंगे जैसे कि ऑसवॉल्ड प्रोसेस एक्सेट्रा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।